नमस्ते, दिस इज गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टचिंग एकेडमी. ये वीडियो बन रहा है कैंसर राशि के लिए. कैंसर राशि, आपका अप्रैल 2020 मंथ कैसे जाने वाला है? सबका अभी जो करंट करियर है वो बंद पड़ा है, और अगर सिर्फ जो बेसिक नेसेसिटी के दुकान है वो चालू है, ऑनलाइन बिजनेसेस बंद हैं. सो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या आपका करंट जॉब, करंट बिजनेस आपको सपोर्ट करेगा. यहाँ पर नेगेटिव कार्ड आता है कि ऑलरेडी आपकी कंपनी ने डिसाइड कर लिया है, वो शायद आपको कंटिन्यू नहीं रखेंगे और आपको नया कुछ आपके बिजनेस के लिए करना है. अगर आप अभी अभी जस्ट पढ़ाई फिनिश की है आपने, तो आपके फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप कुछ नया बिजनेस सोच सकते हैं. आप जैसे ऐप डेवलपमेंट का कोर्स है वो लर्न करके आप न्यू ऐप्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप स्पिरिचुअल कोर्सेज सीख सकते हैं जो आप आगे सिखा सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं. तो इस तरह से आपको कुछ नए बिजनेस का अभी से ही आपको बेस बनाना है. फाइनेंस के लिए काफ़ी नेगेटिव कार्ड आया है कि आप जो सोच रहे हैं फ्यूचर में, आप जो भी पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर करंट जॉब, करंट बिजनेस, तो वो आपके पास नहीं आने वाला है, और आपकी जो थॉट्स हैं वो आपके नेगेटिव प्रूव होने वाले हैं. आपका जो इंट्यूशन है वो नेगेटिव प्रूफ होने वाला है, और इसीलिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें, कुछ नया काम आप स्टार्ट करें. आपके रिलेशनशिप में अच्छा कार्ड आया है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटीज थी उनको आपने देख लिया है, आप समझ गए हैं कि रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है. और मैंने एक और वीडियो बनाया था कैंसर राशि के लिए अभी अप्रैल 2020 के लिए, कि आपके जो स्टार्स है वो रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव चल रहे हैं. तो इसीलिए आपके पास जो भी रिलेशनशिप है अभी, उसको आप बहुत वैल्यू करें, बहुत रिस्पेक्ट करें. रिलेशनशिप पॉजिटिव चल रहा है तो इसमें आपके पार्टनर के जो स्टार्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं. आपके स्टार्स जो है वो सेपरेशन, ब्रेकअप और डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं. तो बहुत ही वैल्यू करें अपने रिलेशनशिप को. खामियां आपके पार्टनर में नहीं, खुद में ढूंढें, और उस खामियों को आप धीरे धीरे दूर करें. आप साइकोलॉजी के क्लासेस ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, काउंसलिंग के क्लासेस आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको आपके रिलेशनशिप में भी बहुत फ़ायदा होगा. आपके हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है कि आपकी हेल्थ पॉजिटिव रहेगी और आप पूरा आपके हेल्थ का ध्यान रखेंगे. कैंसर राशि वालों का जो हेल्थ है वो उनकी इमोशनल हेल्थ पे डिपेंड होता है. आपका जो फिजिकल हेल्थ होता है, अगर आप इमोशनली बहुत खुश है, घर पर है, आपको अटेंशन मिल रहा है, आपको टाइम टू टाइम आपका खाना मिल रहा है, और इससे आपका हेल्थ पॉजिटिव रहता है. अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होती है, घर के लोग आपके पास नहीं होते हैं या आपको अटेंशन नहीं दे रहे होते हैं, तो कैंसर राशि की हेल्थ ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है. वो पहले डिप्रेशन में जाते हैं, एक स्माइल जो है आपके फेस में से गुम हो जाती है. तो ये चीज़ अगर आपके फैमिली मेम्बर्स समझ लेते हैं तो वो आपको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, और वो कोशिश कर सकते हैं कि आपकी हेल्थ ख़राब नहीं हो. वो आपकी इमोशनल हेल्थ को पॉजिटिव रखते हैं, जिससे आपका फिजिकल हेल्थ पॉजिटिव रहता है. आपके अध्यात्मिक के लिए नेगेटिव कार्ड आया है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं और सिर्फ फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं. आपको पूरा फेथ भगवान में रखना है. कैंसर राशि वाले ब्लेस्ड रहते हैं, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आपका सराउंडिंग जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. आपको लॉर्ड शिवा को वर्शिप करना चाहिए. ओम नमो शिवाय मंत्र का पाठ आपको डेली करना चाहिए. महामृत्युंजय का पाठ आप कर सकते हैं, और घर के नॉर्थ वेस्ट में बैठकर आप मेडिटेशंस करें. वहाँ पर आप कुछ मून स्टोन्स, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने मून स्टोन्स आप रख सकते हैं, ताकि आपका मून वहाँ पे स्ट्रांग हो. माता की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, हो सके तो गौ माँ को आपको खाना खिलाना है, और जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, और इससे आपका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा. आपके हेल्थ के लिए आपका जो विल पावर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप खुश रहते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आता है. इसीलिए अपने आप को बहुत खुश रखना है. अगर घर के लोगों से आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो अपने आप को आध्यात्मिक में बहुत खुश रखें और शिव भजन गाएं और अपने आप को शिव आराधना में बिजी रखें. आप अगर शिव नहीं कर सकते हैं ये सब पूजा पाठ, तो आप सिर्फ अपने से बड़े उम्र की फीमेल्स को मदद करें. थैंक यू.